इनोसेंट महिला को बचा लीजिए, सीज मैं कोशिश करता हूँ ना, मदर ऑफ आईआईटी पीएचडी लॉर्डशिप, सिंगल गर्ल चाइल्ड मदर, आपके पास मैं सुन तो रहा हूँ। लॉर्डशिप कहीं नो यूज हो रहा, कहीं मिस यूज हो रहा है, लॉर्डशिप आप प्रॉपर यूज करके उस लेडी को बचा लेंगे। लॉर्डशिप देखिए देखिए, अजय कुमार मिश्रा, मिश्रा साहब क्या हो गया? लॉर्डशिप मर्डर, आई एम फॉर डिस्पोनेट मर्डर, क्या हो गया आपके? माय मदर हैज बीन फॉर द वे ऑन 8th ऑफ मई मां जी सर बताएं। लॉर्डशिप 482 का पिटीशन 3/8/2022 को डिफेंस विटनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं देने के कारण, वो आदेश कौन सा है सर? सर दिस पिटीशन हैज बिकम इनफेक्टुअस बिकॉज़ ट्रायल बोर्ड हैज कन्वर्टेड द एप्लीकेंट, देयर आफ्टर she has filed appeal before the sessions court on तो क्या हो सकता है लॉर्डशिप? मैं वो जजमेंट को रिवर्स थोड़े कर सकता, निर्दोष महिला को जेल में क्या कर सकता हूँ? आप कानून बताइए मेरे को बस। अरे भाई साहब, जिस जजमेंट हो गया ये ग्राउंड आपको अपील में उठाना पड़ेगा, यहाँ नहीं उठा पाएंगे। आपने मुझे पहले दिन बता दिया होता तो मैं आपको पहले दिन टोक देता। लॉर्डशिप हम ये तीसरा मौका है कि जब मेन केस खत्म हो गया है और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के ऊपर बहस की जा रही है। लॉर्डशिप हाई कोर्ट में पेंडिंग है 3972 हाई कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट को। सॉरी सर लॉर्डशिप 39 सर प्लीज, हो गया इनोसेंट महिला को सर प्लीज, हो गया सर 3972/2022 श्री राकेश चौधरी काउंसिल फॉर एप्लीकेंट, श्री अजय मिश्रा काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट, दिस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 3/8/2022 पास बाय फर्स्ट एडिशनल सेशन फर्स्ट सेशन जज सागर इन क्रिमिनल अपील नंबर 84/2021 बाय विच द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द पेटिशनर अंडर सेक्शन 391 ऑफ सीआरपीसी वाज रिजेक्टेड। तो अपीलेट कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। लॉर्डशिप जस्ट अ मिनट सर प्लीज, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? रिवीजन फाइल हुई है ये बताएंगे। हाई कोर्ट में आपने क्या पेश किया? और 482 पेश किया लॉर्डशिप, और उसमें आपके जब वहां पे सजा हुई लॉर्डशिप, मुझे अभी इंटीमेशन नहीं है कि ये इन्फेक्शन हो गई है लॉर्डशिप। मुझे एक मिनट, अभी आप शांति तरफ दो मिनट रुक जाओ। सेशंस कोर्ट ने सेंटेंस कंफर्म किया है और उसमें ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि इनका अरेस्ट वारंट जारी करे। तो अभी तारीख कुछ आइडिया? अभी शायद सरेंडर नहीं किया है। अजय जी सर आप शांति रखिए, एक तरफ आप कानून से भाग रहे हैं ऐसा अजय मिश्रा जी का कहना है, आपकी अपील खारिज हो चुकी है, आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, उसके बावजूद भी आप जो यहाँ पे ध्यान भी नहीं रख रहे हैं, जब आपको बताया जा रहा है कि आपकी अपील निरस्त हो चुकी है तो उसमें अब आपको रिवीजन लगानी पड़ेगी। अगर नहीं लगाई, आपके पास चूंकि कानूनी सलाह देने के लिए नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लॉर्डशिप कहीं नो यूज हो रहा, कहीं मिस यूज हो रहा है, लॉर्डशिप आप प्रॉपर यूज करके उस लेडी को बचा लेंगे। लॉर्डशिप देखिए देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे भी क्षेत्राधिकार सीमित है, असीमित क्षेत्राधिकार हमारे नहीं है, हमारे अपने क्षेत्राधिकार के अंदर ही हमको सारा काम करना होता है। जब तक सुनिए मेरे को, जब तक मुझे ये मालूम था कि आपकी अपील पेंडिंग है मैंने आपकी सुनवाई से इनकार नहीं किया था, आपको आपके मन मुताबिक समय डेट सब दी, मैंने दी के नहीं दी लॉर्डशिप? अरे दी के नहीं, अरे मेरे भाई दी के नहीं। रनरेट काउंसिल अजय मिश्रा साहब ने भी मिसलीड किया लॉर्डशिप इसको। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि अभी अपील पेंडिंग है तो आप दोनों आज लंच के बाद मुझे वेरीफाई करके बता दीजिए ना। ये सर जजमेंट है। चलो मैं देखता हूँ सर क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो बढ़ा दूंगा, नहीं कर सकता हूँ तो जैसे भी होगा मैं आदेश करूंगा, है ना? लॉर्डशिप इनोसेंट महिला को बचा लीजिए, सीज मैं कोशिश करता हूँ ना, मदर ऑफ आईआईटी पीएचडी लॉर्डशिप, सिंगल गर्ल चाइल्ड मदर, आपके पास मैं सुन तो रहा हूँ,
मुझे आप दोबारा पढ़ने तो दीजिए, कुछ चीजें नई बात नई आई हैं अभी, तो मुझे अंदर चैम्बर में पढ़ने तो दीजिए। लॉर्डशिप, अगर हमको लगेगा कि कुछ आपकी मदद की जा सकती है हम करेंगे, है ना, परंतु क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं जा पाएंगे। तो अगर लगेगा कि हम सुनवाई कर सकते हैं तो हम दोबारा लगाएंगे सुनवाई को, अगर हमको लगेगा कि सुनवाई हो सकती है हम दोबारा लगाएंगे, चिंता मत करिए। संविधान बचाया लॉर्डशिप आप जैसे लोगों के कारण। चलिए कोई बात, मैं देखता हूँ।